आज हम इस वीडियो में एक अलग तरीके की ब्रेड टर्किश ब्रेड बनाएंगे। अगर आप कुछ डिफरेंट हेल्दी टेस्टी और आसानी से बनने वाला कोई नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। आप इसे अपने बच्चों के नाश्ते टिफिन में दे सकते हैं, उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हेलो और स्वागत है आपका रेसिपीज यू लाइक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस टर्किश ब्रेड को इंडियन स्टाइल में बनाने के लिए डाल देंगे एक बाउल में 1 टेबल स्पून तेल। इसके साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून दही। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, या फिर हमने जैसे यहाँ 1/3 चम्मच डाला है जो 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। साथ ही गया 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बदले 1/3 चम्मच जो 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है उतना ड्राई एक्टिव यीस्ट इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास यीस्ट अवेलेबल नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पर नहीं डाला। हमने अब इसमें डाल दिया 3/4 कप गेहूं का आटा और 3/4 कप मैदा। आप चाहें तो खाली आटे या मैदे से भी इस डो को आटे को तैयार कर सकते हैं। अब हम इस आटे को गूंदेंगे नॉर्मल पानी से। अगर आपने इसमें यीस्ट डाला हुआ है तो आपको दही डालने की ज़रूरत नहीं है और आपको इस आटे को गूंदना है गुनगुने गर्म पानी से, जैसे हम ब्रेड बनाने के वक्त करते हैं ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। आटे को हम लोग 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे इसे। इतना आटा गूंदने में हमें सिर्फ 1/2 कप पानी लगा है यहाँ पर। अब इस आटे को हम लोग बस 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देंगे। अब इस हिंदुस्तानी टर्किश ब्रेड की हमें एक हिंदुस्तानी फिलिंग बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ 1 कप चने की दाल ली है, इसे हमने रात भर भिगो के रखा था। यह आप 4 से 5 घंटे तक भिगो के रख सकते हैं। इसका पानी हमने निकाल दिया था और अब इसे हमने इस तरीके से पीस लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, ये खुरदरा सा पीसा है जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, जो है पकाने का। हमें फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून तेल। उसे हम लोग इस तरीके से डालने के बाद पैन में गरम कर लेंगे और जब हमारा तेल गरम हो जाए, क्योंकि हम दाल बना रहे हैं, तो इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, साथ ही 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन। आँच को धीमी रखेंगे यहाँ पर और इन दोनों को हम कुछ सेकंड्स के लिए पटपट करने देंगे, मतलब क्रैकल करने देंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये 1 बारीक कटा हुआ प्याज है। प्याज को हम लोग मीडियम आँच पर बीच बीच में चलाते हुए सौते कर लेंगे। हमें यहाँ पर सब्जी नहीं पकानी है, बस फिलिंग तैयार करनी है अपनी टर्किश ब्रेड की, या इसको इंडियन स्टाइल में बोले तो स्टफ्ड पराठे की। तो हम प्याज इतना देर तक सौते करेंगे जब तक वो हल्का सा नरम नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप कटे हुआ शिमला मिर्च, 1/2 कप कटा हुआ गाजर और 2 से 3 हरी या लाल मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। अब इस सब्ज़ी को भी हम लोग बीच बीच में चलाते हुए हाई आंच पर सौते कर लेंगे जब तक ये हल्का सा नरम नहीं हो जाएगा, मतलब क्रिस्पी लगेगा लेकिन फिर भी नरम होगा थोड़ा सा। उसके बाद बस ये क्या, ये जो ग्राइंड की हुई दाल थी वो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। अब आंच को लो टू मीडियम कर लीजिए। उसके बाद हम इस दाल और सब्जी को एक साथ पका लेंगे जब तक हमारी दाल सॉफ्ट ना हो जाए। बीच में डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए बना रहे हैं। बस डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह सारे मसालों को और जब बस ये तैयार हो जाए, बंद करने से पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करके बंद कर देंगे। और ये बस हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। इसे हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। तब तक हम अपना आटे को देख लेते हैं। उसे 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करते हुए। वो सोच रहा होगा मुझे देखने क्यों नहीं आए। अब ये तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे वाला आटा है, ये तो ज़्यादा फूलेगा नहीं लेकिन सॉफ्ट ज़रूर हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर यीस्ट डाला होता तो हमें आटे को 1 घंटे के लिए कम से कम रखना होता और वो फूल भी जाता वैसे डबल। ये तो ज़्यादा नहीं फूलेगा। इसे हम इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। बीच में आप सूखा आटा भी इसमें छिड़क सकते हैं। अपने किचन काउंटर पर इसी तरीके से एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए एक ही बार में। यहाँ पर शेप बनाना कोई मायने नहीं रखता, कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। जिन्हें गोल रोटी बनाने नहीं आती उनके लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है। तो इस तरीके से हम इतनी बड़ी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए हमारी रोटी।
इसके बाद कोई पिज़्ज़ा कटर से या किसी तेज़ चाकू से चारों तरफ इस तरीके से हम बराबर काट लेंगे। थोड़ा सा एजेस जो होंगे उनको स्मूथ कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ बराबर हो जाए और फिर इसके चार टुकड़े हम लोग कर लेंगे। कटे हुए आटे की चिप्स को बचे हुए आटे के साथ मिलाने के बाद इस पर हम लोग फिलिंग डाल देंगे, दिल खोल के डाल देंगे फिलिंग। इतना भी नहीं कि टर्किश ब्रेड हमारी फटने लगे। यहाँ पर अब मैंने श्रेडेड मोजरेला चीज़ डाली है, आप चाहे तो प्रोसेस्ड चीज़ जो होती है वो भी डाल सकते हैं, मगर उसमें आपको स्ट्रिंग्स नहीं मिलेंगे। चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, ज़्यादा भी खाने अच्छी नहीं होती। अब हमने इसमें चारों तरफ थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा दिया ताकि ये चिपक जाए और उसको इस तरीके से हम लोग बंद कर लेंगे। आप कोई भी शेप देकर बंद कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके से समोसे या फिर जो भी कहें ट्रायंगल के शेप में बंद करें। आप इसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप में जैसे आपको मन चाहे वैसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दूसरा वाला भी इस तरीके से बंद कर लिया। अच्छी तरह दबाकर इसे इस तरीके से बंद कर लेंगे दोनों तरफ से ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना आ जाए। और अब हम इन टर्किश ट्रायंगल ब्रेड पॉकेट्स को सेकेंगे, क्योंकि हमने सबके सब तैयार कर लिए हैं। तो आप तवा या पैन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी इसमें हमने अपनी फिलिंग तैयार कर ली थी, तो ये सेम पैन हमने यूज़ किया। इस पर हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया। यहाँ पर हमने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर या कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इस टर्किश ब्रेड को हम लोग मीडियम आंच पर दोनों तरफ से बीच बीच में पलटते हुए सेकेंगे, जैसे हम नॉर्मली परोठों को सेकते हैं। मगर ये टर्किश ब्रेड पराठे की तरह क्रिस्प कड़क नहीं बनती है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है। तो ये ब्रेड की तरह, ब्रेड पॉकेट्स की तरह नरम, फ्लफी, सॉफ्ट टाइप का बनेगा। और देखिए इस तरीके से इसे गरम गरम परोस कर खाएंगे तो ये इस तरीके से हमारी मोज़रेला चीज़ की बन गई, स्ट्रिंग निकल गई। धनिया की चटनी के साथ ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और बेल बजाकर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी रेसिपीज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।